जीवन के रंग। एक रमैया की हरी भरी दुनिया। कुछ लोग उसे सन की कहते हैं, कुछ जुनूनी तो कुछ और, मगर रमैया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पौधे लिए रोज सुबह घर से निकल पड़ता है, गीत गाता है और सबसे पेड़ उगाने को कहता है। रमैया अपने सपने की धुन में मगन है। उसका सपना है हरी भरी धरती का, जंगल बचाने का, पेड़ लगाने का। रमैया जानता है कि इस सपने को कैसे पूरा करना है। किसी की शादी हो तो उपहार में पौधा देता है, जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता है, जहाँ जो भी मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता है। कई लोगों को उस पर शक हुआ कि कौन है यह आदमी। कुछ दिन पहले तक तो गुजारे के लिए दूध बेचता था और अब दूध के साथ साथ पौधे भी लिए घूमता है। कुछ लोगों की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बुलवाया। अधिकारी कुछ कुछ पूछ पाते, उससे पहले ही रमैया ने एक पौधा उनकी ओर बढ़ाया और बोला, जी पहले ये नीम का पौधा लीजिए, दांतों के लिए इसकी दातुन बहुत ही लाभदायक होती है। इसके पत्ते जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं। यह पौधा अपने घर के पास में लगाइएगा। अधिकारियों ने कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे तो उसे बचपन से पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। मास्टर जी कहते थे, पेड़ हमें ताज़ी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं, जबकि बदले में थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। इंसान होता तो इतना सब देने की बड़ी कीमत मांगता। रमैया ने कागज का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिखा, पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। एक बार रमैया की बेटी को तेज सिर दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ दिनों तो ठीक रही, लेकिन फिर यह दर्द रोज होने लगा। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है, वहाँ पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर इतने पौधे लगा दिए जाएं कि बच्चे छांव में बैठकर पढ़ें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। रमैया अपने हाथों में से अब तक सैकड़ों पौधे लगा चुका है। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाता है पेड़ों के गुण बताता है, नए नए तरीकों से लोगों को पेड़ लगाने के लिए मनाता है। उसने बेटा बेटी की शादी के कार्ड पर पेड़ों के महत्व का संदेश लिखा, नारा लगाया, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। रमैया के इस जुनून में धीरे धीरे बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। वे कहते हैं, 10 रमैया मिल जाए तो धरती बच जाए, जंगल भर जाए, खुशहाली आ जाए। 2, जंगल की आग। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। जिसके हाथ में जो भी पात्र आया वह उसमें पानी भरकर आग में डालने लगा। सभी को आग बुझाने में जुटा देख एक नन्ही गोरैया भी अपनी चोंच में पानी भर भर आग में डालने लगी। एक कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठा तमाशा देख रहा था। वह गोरैया के पास आकर बोला, नन्ही गोरैया, क्यों बेकार मेहनत कर रही हो, तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता कर पाएगा। गोरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा।